अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अपनी बर्थडे के दिन इंडिया को धोने के लिए तैयार। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रेस्ट पर होंगे। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान अपना पहला मैच किस मुल्क के खिलाफ खेलेगा? नाजरीन, कनाडा की ग्लोबल T20 लीग में पाकिस्तान के कौन कौन से प्लेयर कनाडा लीग में खेलने के लिए तैयार? 13वां वनडे वर्ल्ड कप जो कि 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक इंडिया में खेला जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप 2023 जो कि फरवरी मार्च में होना था, उसकी डेट क्यों चेंज की गई? नाजरीन, ये पहला वनडे वर्ल्ड कप होगा जो कम्प्लीटली इंडिया में खेला जाएगा। इससे पहले वर्ल्ड कप जो भी हुए वो जहाँ तो इंडिया बांग्लादेश जहाँ इंडिया पाकिस्तान हो मेज़बानी करते रहे हैं। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेल सकेंगे क्योंकि वो इन दिनों में ग्लोबल T20 लीग कनाडा में हिस्सा लेंगे। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेलेगा। नाजरीन, ग्लोबल T20 कनाडा लीग में पाकिस्तान के जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं इनमें शुएब मलिक, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद हैं। जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप में मैच है उसी दिन बाबर आजम की बर्थडे है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का कहना है, मैं वर्ल्ड कप में अपनी इनिंग यादगार बनाऊंगा क्योंकि ये दिन मेरे लिए बहुत अहम होगा। नाजरीन, वनडे वर्ल्ड कप 2023 ICC के शेड्यूल के मुताबिक ये फरवरी मार्च में होना था, कोरोना पेंडेमिक की वजह से डिले हुआ। दोबारा इसका शेड्यूल 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक तय हुआ।